Hello students, in the last video we have studied about the multitone modulation. In this video we will study about the modulation index, that is we will consider different values of modulation index and we will analyze the under modulated, critical modulated and over modulated waveform. Okay, now for that we will consider one message signal, okay, that is MT. Okay, so here it is my message signal. I am considering one sinusoidal waveform. Okay. Now maximum amplitude of message signal is AM. Okay. And negative side it is minus AM. Now I am considering one carrier signal as well. Carrier signal is cosine waveform CT. Okay. So it is AC cos omega CT. Okay. So maximum amplitude is AC. And negative side it is minus AC. Now, what is our aim? We need to analyze the under modulated waveform, critical modulated waveform and over modulated waveform. Clear hai? So, we have considered MT and CT, message signal and carrier signal. Theek hai? Now, in the previous lecture, in the previous videos, I have explained you that if one AM waveform is given, that is AC 1 plus KAMT cos omega CT. Okay. Now, यहाँ पर अगर मैं single tone modulation consider करूँ, so हम लोग पहले equation study कर चुके हैं. क्या हो जाएगा equation AC 1 plus MA okay cos omega MT into cos omega CT. Clear है point? Now यहाँ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए आप MT इज इक्वल टू AM साइन ओमेगा MT भी कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि आपने यहाँ पर एग्जांपल में साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ली है. ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोसाइन सिग्नल हो चाहे साइन सिग्नल हो, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो AM ही होगा और MA क्या होता है आपका KA इंटू AM. एंड दोनों के लिए ही, वेदर इट इज साइन सिग्नल और कोसाइन सिग्नल, दोनों के लिए ही आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है वो 1 होता है. इस पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. ठीक है. नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ AM सिग्नल हियर इज AS AC 1 प्लस KAMT. ओके, ऑलरेडी हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जो भी आपका कॉस के साथ होता है वही आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंगल टोन के लिए क्या हो जाएगा, AS इज इक्वल टू AC 1 plus MA cos omega MT. क्लियर है पॉइंट. नाउ यहां पर आप ध्यान से समझिए. अब देखिए, हम लोग ऑलरेडी इस चीज को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन मैं रिपीट करवा रहा हूं आप लोगों के लिए. ये क्या हो जाएगा, AS मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AM कितना हो जाएगा, AC 1 plus MA. ठीक है, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है. नाउ AS मिनिमम ये कितना हो जाएगा, AC 1 माइनस MA. ओके, कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है. ओके जब हमने लास्ट वीडियोस में इस डेरिवेशन को देखा था तो वो हमने इसलिए देखा था क्योंकि हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला जनरेट करना था और AC का फॉर्मूला जनरेट करना था इन टर्म्स ऑफ AS मैक्सिमम एंड AS मिनिमम. लेकिन यहां पर हमारा टारगेट दूसरा है, यहां पर हमें अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन एंड ओवर मॉड्यूलेशन का एनालिसिस करना है. क्लियर है पॉइंट. अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर केस 1 कंसीडर करने जा रहा हूं. केस 1 इज अंडर मॉड्यूलेशन. ओके, अंडर मॉड्यूलेशन की मीनिंग होती है आपकी कि जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो आपका हो लेस देन 1. ओके, सो यहां पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं MA की वैल्यू 0.5 अज्यूम कर लेता हूं. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर MA 0.5 है तो जो आपका AS मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए यहां पर AC इंटू 1.5. ओके, सो इट इज 1.5 AC. एंड व्हाट अबाउट AS मिनिमम, AS मिनिमम आपका हो जाएगा, देखिए AC 1 माइनस 0.5 तो ये कितना हो जाएगा 0.5 AC. क्लियर है पॉइंट. नाउ अब अगर मैं मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म ड्रॉ करूं, हमें पता है कि हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है. जिसमें आपका जो कैरियर सिग्नल है वो वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। और कैरियर सिग्नल में वेरी कौन होगा? कैरियर सिग्नल में वेरी होगा आपका एम्पलीट्यूड। हमने ऑलरेडी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ओके, सो यहां पर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप, कैरियर सिग्नल आपका क्या है? कोसाइन सिग्नल है, हम यहां ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर का वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से वेरी करेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग यहां पर इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना है, हमें टाइम डोमेन में ही एनालिसिस करना है। ठीक है, तो यहां पर जो कैरियर सिग्नल है आपका वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से वेरी करेगा। क्लियर है? तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनने वाला है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1.5 एसी होगा। मिनिमम क्या होगा? 0.5 एसी होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए आपका 1.5 एसी जो होगा दैट विल बी योर मैक्सिमम। ओके, एंड ये वाला देखिए आप 0.5 एसी, ये आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम। आप चाहें तो यहां से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं 0.5 एसी। सेम आपका हो जाएगा नेगेटिव साइड। ओके, कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ अब बीच में आप क्या ड्रॉ कर देंगे? कैरियर। ठीक है, तो कैरियर आप ड्रॉ कर दीजिए यहां से, ये बीच में आपका कैरियर सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म इन केस ऑफ अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेगेटिव साइड आपका क्या हो जाएगा? -1.5 एसी एंड -0.5 एसी, ये बीच में क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जो ये पॉइंट होगा जहां पर आपका t = 0 है, उस पे जो आपका होगा वो होगा AC। क्लियर है? तो इस तरह से आपका मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म ड्रॉ हो जाएगी इन केस ऑफ MA = 0.5। ठीक है, आप देख सकते हैं जो कोसाइन वेव आपकी फिक्स एम्पलीट्यूड कंटेन करती थी इन केस ऑफ कैरियर, कितनी थी आपकी? AC। अब वो आपकी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से वेरी हो रही है। ठीक है ना, यही होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर है? नाउ हम यहां पर अब केस 2 कंसीडर करने वाले हैं। केस 2 में मैं लेने जा रहा हूं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन की मीनिंग होती है कि जो MA है वो आपका होगा 1, सो MA = 1। तो इस केस में आपका जो AS मैक्सिमम है वो हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं इक्वेशन के थ्रू यहां पर AC × 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2AC। और यहां पर AS मिनिमम भी हम देख सकते हैं, AC × 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। ओके, सो यहां से AS मैक्सिमम इज 2AC एंड AS मिनिमम इज 0। ओके, सो आपको अगर केस 1 क्लियर है यहां से तो केस 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं जो AS मिनिमम वाला पार्ट है वो 0 को टच कर जाएगा, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए आप, ये आपका T हो गया, ये आपका हो गया ST एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। ठीक है, तो आपका जो डायग्राम होगा यहां पर वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 0 को टच कर गया, सेम वैसी नेगेटिव साइड भी ये आपका 0 को टच कर जाएगा। ओके, सो यहां से आपका जो डायग्राम है वो हो जाएगा आपका कोसाइन वेव, आप बीच पे ड्रॉ कर दीजिए, ये आपकी हो गई कोसाइन वेव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायग्राम फॉर क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। ओके, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? 2AC, यहां नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा? -2AC एंड मिनिमम क्या है आपका? 0 है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही 0 तो सेम होगा आपका। क्लियर है? तो ये आपकी जो वेवफॉर्म बनी है यहां पर, ये बनी है फॉर क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। ओके, नाउ केस 3। केस 3 आपका क्या होता है? ओवर मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन की मीनिंग होती है आपकी कि जो MA होगा आपका वो होगा > 1। ओके, सो मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। MA = 2। क्लियर है? तो यहां से हमारा AS मैक्सिमम जो है वो निकल कर आ जाएगा, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, AC × 1 + MA। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3AC। क्लियर है पॉइंट? नाउ जो AS मिनिमम होता है आपका वो कितना होता है आपका ए सी इंटू 1 माइनस एम ए, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है आपका, तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस ए सी। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका मिनिमम पार्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, जबकि केस 1 और केस 2 में आपका मिनिमम पार्ट नेगेटिव नहीं था। आप देखिए केस 2 में मिनिमम पार्ट क्या था 0, केस 1 में मिनिमम पार्ट क्या था पॉजिटिव था 0.5 एसी। इसकी क्या मीनिंग है, जैसे जैसे आप एमए को इंक्रीज करते चले जाएंगे मिनिमम पार्ट आपका नेगेटिव की तरफ मूव करता चला जाएगा। आप देखिए एमए इक्वल टू 0.5 के लिए जो मिनिमम पार्ट था आपका वो 0.5 एसी था, एमए इक्वल टू 1 के लिए हो गया 0, एमए इक्वल टू 2 के लिए क्या हो गया आपका माइनस एसी हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका जो मिनिमम पार्ट है वो मूव करते जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? नाउ अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप, दिस इज योर टी एक्सिस, दिस इज एस टी। नाउ आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका मिनिमम पार्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ड्रॉ करना। दिस इज योर मैक्सिमम पार्ट बट दिस इज योर मिनिमम पार्ट। ओके, सेम आपका नेगेटिव साइड भी आप करेंगे तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए यहां पर ये जो आपका मैक्सिमम पार्ट है वो तो आपका 3AC है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मिनिमम पार्ट है आपका वो ये है आपका, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, नेगेटिव साइड में है तो कितना है ये आपका माइनस AC है। क्लियर है? और ये जो आपने फिर इसका सिमेट्रिकल ड्रॉ किया है उसमें देखिए नेगेटिव साइड में -3AC, और जब पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में मिनिमम पार्ट आपका -AC था तो नेगेटिव के रेस्पेक्ट में मिनिमम पार्ट क्या हो जाएगा आपका +AC हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहां पर जीरो क्रॉसिंग हो रही है, जो आपका डायग्राम है देखिए यहां पर जीरो को क्रॉस कर रहा है, तो ओवर मॉडुलेटेड वेव फॉर्म प्रोवाइड यू द जीरो क्रॉसिंग। ठीक है, ओवर मॉडुलेटेड वेव फॉर्म में जीरो क्रॉसिंग होती है, सबसे बड़ा पहचान होता है ओवर मॉडुलेटेड वेव फॉर्म का कि यहां पर क्या होती है जीरो क्रॉसिंग। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने 2 से 3 बार रिपीट किया है, आपको दिमाग में रखना है। नाउ यू कैन ड्रॉ कोसाइन वेव फॉर्म, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये हो गई हमारी कोसाइन वेव फॉर्म इनसाइड। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है व्हाट इज ओवर मॉडुलेटेड वेव फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज योर अंडर मॉडुलेशन, क्रिटिकल मॉडुलेशन एंड ओवर मॉडुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। ओके, गुड बाय।